जय गणेश। मैं पंडित दौलतराम सारस्वत आप सबका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा मिथुन राशि का फलादेश। मिथुन राशि से इससे संबंधित क्या आप जान सकते हैं? राशियां किसी भी जातक की गुण स्वभाव व्यक्ति का दर्पण होती है। राशि चक्र में तीसरी राशि है वो मिथुन है। मिथुन राशि का स्वरूप स्त्री पुरुष का जोड़ा या पुरुष पुरुष का जोड़ा। मिथुन का मतलब होता है संबंध जोड़ा। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। पर्यायवाची शब्द द्वंद नृयुगम जितुम नृत्यकम यम युग। मिथुन राशि को अंग्रेजी में जेमनी और अरबी में जोबज कहते हैं। मिथुन राशि है वो लिंग है, वो पुरुष है, तत्व है वायु है और चरादि में द्विष्भाव है। द्विपाद है, वर्ण हरित है, गुण तप्त है, धातु सम। शब्द दीर्घ शब्द है। स्थान वनचर वन का है। स्वभाव उग्र है। बल दीवा है, दिन में बलि होता है। संख्या सम संख्या है, विषम संख्या है। दिशा पश्चिम, जाति शूद्र, ऋतु ग्रीष्म है। का की कु घड़ छ के को है, इन अक्षरों में नाम हो तो मिथुन राशि होती है। इनके लिए घात समय है आषाढ़ का महीना, तिथि भद्रा, द्वितीया सप्तमी, द्वादशी, वार सोमवार, नक्षत्र स्वाति, योग परिघ, लग्न कन्या और प्रहर तीसरा, ये इनके लिए घातक है। इस राशि में मृगशिरा, आद्रा तथा पुनर्वसु इन तीन नक्षत्रों का संयोग है। मिथुन राशि वाले जातक अनुशासन प्रिय, व्यवहार कुशल, समतावादी, विनम्र, भुलक्कड़ भी होते हैं, भुलक्कड़ स्वभाव के, शीघ्र ही प्रेम करने वाले और शीघ्र ही शत्रु बनाने वाले भी होते हैं, शीघ्र मानने वाले भी होते हैं, भय शोक आदि से शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं और भावुक हो जाते हैं। अगर साइड में किसी के भी कष्ट है तो उस कष्ट को अपना मान लेते हैं और बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। क्षीण स्मरण शक्ति वाले तथा संगीत से प्रेम रखने वाले, उद्यान भ्रमण इतिहास आदि से प्रेम रखने वाले, इनका मस्तक चौड़ा, चेहरा गोल, कद मध्यम, शरीर रुक्ष, रंग गेहुआ, आंखें चंचल तथा गोल, पुतलियां फैली हुई, हाथ पाव दांत छोटे होते हैं तथा नसें उभरी हुई, ये स्नायु रोग तथा श्वास रोग के पीड़ित होते हैं। ये लोग निरंतर भ्रमणशील, गणितज्ञ, चतुर, हरफनमौला, कामी, रति प्रेमी, इन्हें संगीत हास्य प्रिय होते हैं, संगीत प्रिय होते हैं, कुछ परोपकारी भी होते हैं। ये प्राय टीचिंग लाइन, दलाली, भ्रमणशीलता से अपनी आजीविका का उपार्जन करते हैं। इस राशि को द्विष्भाव कहते हैं। चर और स्थिर राशि से बनी है। 15 अंश चर और 15 अंश स्त्री का काम आती है। ऐसे व्यक्ति दोहरे चरित्र के होते हैं। ऐसे इंसान कब पलटी मार ले कह नहीं सकते। सुबह हाँ की है तो शाम को ना भी कर सकते हैं। इनके मन में अंतर्द्वंद चलता रहता है। मिथुन राशि वाले लोग लक्ष्मी की उपासना करें तो लक्ष्मी मैया बहुत जल्दी प्रसन्न होती है इन पर। स्त्रियों से बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि इनको बहुत जल्दी स्त्रियां बेवकूफ बना देगी। ये
दो विचारधाराओं वाले लोग होते हैं। इनका जीवन निश्चित नहीं होता है। इनके मन में विचार चलते रहते हैं, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। मिथुन राशि वाले ज़्यादातर सोचते रहते हैं। एक काम से संतुष्टि नहीं होती है, साइड बिजनेस भी और होता है इनके, मतलब वो खाली नहीं रहना चाहते हैं, कुछ न कुछ करना चाहते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं। मिथुन राशि वालों पर माँ दुर्गा की बड़ी कृपा होती है, क्योंकि इनकी कन्याएं ज़्यादा होती हैं। इस प्रकार के जातक बोलते ज़्यादा हैं, किसी चीज़ को मन में बनाकर और रद्द भी कर देते हैं। लिखा पढ़ी का बहुत शौक होता है, ये अपनी बात पर अड़े रहते हैं, सामने वाले माने या ना माने वो इनको चिंता नहीं है। मिथुन राशि वाले आदर्शवादी पर बहुत बड़ी चर्चा कर जाते हैं और इनकी मित्रता जल राशि से होती है। जल राशि में कर्क, वृश्चिक, मीन, इनसे बहुत अच्छी है मित्रता निभाते हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी आप अपनी राय जरूर व्यक्त करना, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल लाइक घंटी को लाइक करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय गणेश।